का विगत कई वर्षों से लगातार इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार हम सब का उत्साह प्रकट करते हैं और जिनसे मेरा भी बहुत बचपन का परिचय है। और जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तब से हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय मनोज मिश्रा जी, प्रदेश के मंत्री श्री ऋषभ रावत जी, महानगर सह मंत्री आयुषी कैदुरी जी, हमारे प्रांत के संगठन मंत्री श्री अरविंद सुब्रियाल जी, डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस के सिंह जी एवं सभी हमारे इस पीजी कॉलेज के सभी अध्यापकगण, प्राध्यापकगण, सभी डीएवी कॉलेज के परिवार, डॉक्टर डी के सिंह जी प्राध्यापक, डॉक्टर कौशल कुमार जी विभाग प्रमुख, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी, डॉक्टर भावना डोभाल जी, आदित्य चौहान जी हमारे साथी, डॉक्टर धान सिंह नेगी जी, डॉक्टर आदित्य कुमार जी हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, आदरणीय श्री राजकुमार पुरोहित जी, संकेत नौटियाल जी, राम विनय सिंह जी, नागेंद्र बिष्ट जी, विभाग संगठन मंत्री एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी छात्र संघ के अध्यक्ष, पूर्व में रहे हमारे देवेंद्र सिंह छोटू जी महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, छात्र संघ के सभी अध्यक्ष लगभग आधे दर्शन से भी ज्यादा है, विद्यार्थी परिषद के सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी छात्र नेता व सभी के लिए हमारे छात्र एवं छात्राएं, शिक्षा जगत के सभी विद्वान शिक्षाविद, सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, और आज जिनके निमित्त ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ऐसे हमारे सभी प्रतिभा संपन्न छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देहरादून द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का, सभी हमारे प्राध्यापकों का, हमारे विद्यार्थी परिषद के सभी आए हुए पदाधिकारियों का, सभी अतिथिगणों का, कार्यकर्ता बंधुओं का, सबका विद्यार्थी परिषद के पहले समय में मैं भी आप जैसा कार्यकर्ता रहा हूं और आज आप सबके समक्ष देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बड़ा हर्ष का विषय है कि अभी आदरणीय मनोज मिश्रा जी बोल रहे थे, बहुत कम शब्दों में उन्होंने बोला लेकिन बहुत सार गंभीर कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 75 वर्ष पूर्ण कर अब 76वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस दौरान एक लंबी यात्रा विद्यार्थी परिषद ने तय की है। इस विशिष्ट अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आप सबके बीच में, और कभी भी मैं छात्रों के बीच में जाता हूँ, नौजवान युवाओं के बीच में जाता हूँ, तो मेरे अंदर भी निश्चित रूप से अपने जो विद्यार्थी काल का समय है वो समय मेरे स्मरण में आता है। और ये एक ऐसा कालखंड है जो कभी भी, जो आज आपके जीवन में चल रहा है, ये फिर लौट कर नहीं आने वाला है, इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ कि ये बहुत ही सुनहरा कालखंड है। और 19 सितंबर की याद
मुझे जब भी विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में आप सब मुझे सूचना देते हैं, बुलाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में मैं प्रांतीय हमारी कार्यकारिणी परिषद वहाँ हुई थी, अधिवेशन में प्रांतीय अधिवेशन रुद्रपुर में हुआ था, मैं तब भी आया था, तब भी आप सबका जोश देखकर, आप सबका उत्साह देखकर, निश्चित रूप से जब मैं आपकी तरह ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे विद्यार्थियों के बीच में काम करता था, और वो दिन मुझे बार बार स्मरण आते हैं, और मेरे अंदर भी एक ऊर्जा का संचार आप सबके सामने आकर होता है, आप सबको मिलकर होता है। भाइयों बहनों, ज्ञानशील एकता के मूल मंत्र को लेकर हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज न केवल भारत का बल्कि विश्व का आज सबसे बड़ा छात्र संगठन है, और ये पहला ऐसा संगठन है जिसके बारे में भी अंकित जी कह रहे थे, छात्रों और हमारे शिक्षकों के बीच का एक आपसी समन्वय करके एक दूसरे से सीखने का, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहकर आदर और संस्कारों के साथ कैसे समाज के लिए भी काम करना है, कैसे समाज को दिशा देनी है। और सच में कि मनोज जी ने जो कहा बहुत अच्छी बात कही कि हम सब विद्यार्थी जीवन में रहते रहते हम समाज जीवन में भी किस प्रकार से काम कर सकते हैं, ये वही कालखंड है जो आपके सामने बहुत सारे विषय जो आने वाले समय में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको अनेक अनेक चुनौतियों के रूप में जिनका आपने सामना करना है, आप सबको परिष्कृत करने का, आप सबके अंदर कौशल लाने का, आप सबके अंदर धैर्य और संस्कार लाने का काम अगर कोई संगठन कर सकता है तो वो केवल और केवल विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो इस काम को आगे बढ़ा सकता है। हम देखते हैं जब हम अनुशासन की बात करते हैं या हम हमारे देश के अंदर ही चलने वाले बहुत सारे विद्यार्थी संगठनों की बात करें, नौजवानों के संगठनों की बात करें, उनके यहाँ किस प्रकार का माहौल होता है, किस प्रकार के संस्कार होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक अलग प्रकार की परिपाटी हमको सीखने को मिलती है। और ये हमारी जो 75 वर्षों में एक बड़ी यात्रा है वो यात्रा हमको विरासत में ये सब देने का काम करती है। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने वाला हमारा ये संगठन विगत 7 दशकों से पूरे देश में छात्र और छात्राओं के बीच में छात्र हित और राष्ट्रहित की जो भावना है उस भावना को मजबूती देने का काम कर रहा है, उनके अंदर राष्ट्रहित की भावना, समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देने का काम विद्यार्थी परिषद कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित होकर व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य करने वाला इस संगठन का कार्यकर्ता होने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है। मैं अपने लिए भी सौभाग्य की बात मानता हूँ कि बहुत सारे आज समाज में मैं अपना कुछ योगदान कर पा रहा हूँ, तो मैं सच बताऊँ तो आप सबसे कहना चाहता हूँ कि उसमें जो विद्यार्थी परिषद का मेरा विद्यार्थी जीवन है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उस दौरान जो हमने तमाम अपने शिक्षकों से, अपने वरिष्ठ लोगों से जो तमाम प्रकार की शिक्षा मिली, संस्कार मिले, वो संस्कार आज हर एक जीवन में आने वाली चुनौतियों को, आने वाली परेशानियों को, कठिनाइयों को आसानी से आत्मसात कर आगे बढ़ने का एक हमको मार्ग देते हैं। विद्यार्थी परिषद ने युवा पीढ़ियों के मन में सदैव देश प्रथम की भावना को जागृत करने का काम किया है कि हम सब लोग ऐसे विचार से प्रेरित होकर काम करते हैं जहां राष्ट्र प्रथम है, संगठन द्वितीय है और व्यक्ति का अपना हित अंतिम है। इस प्रकार का संगठन अगर दुनिया के अंदर कोई है तो वो हमारा ही संगठन है। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सब लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। आज शिक्षा के मंदिर से लेकर देश की सीमा तक हर जगह देश की सेवा या उत्थान में समर्पित विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता निरंतर हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, ये 76 वर्ष का जो कालखंड है
एक बड़ा कालखंड है, 7 दशक से भी ज्यादा, और ये किसी भी संगठन के लिए अति महत्वपूर्ण समय होता है कि इतने समय तक संगठन निरंतरता से आगे बढ़ता जा रहा है और इन वर्षों के दौरान देश के सामने अनेक चुनौतियां आई, अनेक कठिनाइयां आई, उन सभी में विद्यार्थी परिषद ने अनेक मौकों पर खड़े होकर डटकर सामना किया है, डटकर समाज में अपना योगदान दिया हो, चाहे आपदा का समय हो, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे किसी प्रकार की कोई विपत्ता देश में या समाज में आई हो, तो उसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बड़े उस चुनौती को स्वीकार करते हुए डटकर मुकाबला किया है। जब भी समाज को, राष्ट्र को हमारे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ी है, तब तब विद्यार्थी परिषद ने हमेशा ढाल बन के उन चुनौतियों का सामना किया है और बहुत बड़े बड़े देशव्यापी आंदोलन चलाकर उनका सामना किया है, देश को नेतृत्व देने का काम किया है। चाहे वो शिक्षा का व्यवसायीकरण के खिलाफ हो, चाहे भारतीकरण के पक्ष में निरंतरता से कई की आवाज उठानी, विद्यार्थी परिषद ने हमेशा कदम से कदम का देश को आगे बढ़ाने में किया है। इसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर कई दशकों के बाद, लंबी प्रतीक्षा के बाद नई शिक्षा नीति NEP लाकर भारत की शिक्षा प्रणाली में एक व्यापक सुधार लाने का प्रयास किया गया है। साथियों, हमारी राज्य सरकार ने उत्तराखंड के अंदर हमारे छात्र छात्राओं के उत्थान के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हम अनेक योजनाओं पर काम कर रहे हैं। बहुत सारी हमने नई नई छात्रवृत्तियां प्रारंभ की हैं, अनेक विद्यार्थी हितों के लिए काम किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नए नए एस्टेब्लिशमेंट बनाने का काम हम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले वर्षों में हमारे राज्य गठन के बाद एक बड़ी समस्या राज्य के अंदर पेपर लीक की समस्या थी, और पेपर लीक हो जाया करते थे, पेन ड्राइव से नकल हो जाया करते थे, बड़े बड़े नकल माफिया हावी हुआ करते थे भाई बहनों, और इस समस्या की वजह से लाखों युवाओं के सपने टूट जाते थे। लेकिन हमने देश का सबसे कड़ा कानून, नकल विरोधी कानून लाकर इस समस्या को जड़ से समाप्त करने का काम किया है। इस कानून के लागू होने के बाद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और आज पूरी पारदर्शिता के साथ हमारी भर्ती परीक्षाएं संपन्न हो रही है, और जो प्रतिभावान युवा हमारे भाई बहन हैं उन सभी को नौकरी मिल रही है। और मैं सच बताऊं, मैं कितनी बार जब समाज के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाता हूं, प्रदेश के अनेक अनेक स्थानों पर जाता हूं, तो बहुत सारे माता पिता मुझे मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बेटे और बेटियां पिछले कई सालों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे लेकिन उनका नंबर नहीं आता था, क्योंकि नंबर उनका आ जाता था जो नकल माफियाओं से साठगांठ कर लेते थे। आज जब से आपका ये नकल विरोधी कानून प्रदेश के अंदर लागू हुआ है, हमारे बेटे और बेटी को चयन का अवसर प्राप्त हुआ है। और इतना ही नहीं, अभी बहुत लोगों पर मुझे ऐसे ऐसे माता पिता अभिभावक मिले जिन्होंने कहा कि हमारे बेटी का या बेटे का एक परीक्षा में चयन हुआ, दूसरी में भी चयन हो गया, तीसरी में भी नौकरी मिल गई, और बहुत सारे लोगों को चार चार नौकरियां एक साथ मिल गई। पहले जिनका एक में भी नंबर नहीं आ रहा था, अब कितने मारा एक बात सुन पा रहे हैं आप लोग, भी सुन पा रहे हैं आ रही है, तो चार चार परीक्षाओं में एक साथ जो है उनको चयन का अवसर मिल रहा है, और कुछ एक तो ऐसे ही 5 जगह पर भी जो है चयन का उनको अवसर प्राप्त हो रहा है, और उनके लिए भी बड़ी समस्या कंफ्यूजन की स्थिति है कि आप कौन सी नौकरी वो तो करें और कौन सी छोड़ दें। बहुत बार इस प्रकार की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है एक समाज को लोगों में जाने के कारण। हमारी सरकार ने विशेषकर युवा शक्ति के कल्याण के लिए विशेष ध्यान देते हुए युवा कल्याण, खेलकूद, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि पर इस बार का जो हमने सामान्य बजट बनाया है, इस बार के सामान्य बजट में 1700 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च का प्रावधान कर दिया है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षा के
जिन अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों में 50% की छूट का प्रावधान भी किया है। साथियों, आज संपूर्ण विश्व सनातन धर्म और संस्कृति को अंगीकार कर रहा है, अपना रहा है और जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उस हमारी प्राचीन अवधारणा को आज अंगीकार कर रहा है। हम पहले से इस मंत्र को मानते हैं कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरित्रा नाम वसुधैव कुटुंबकम। पहले हम कहते थे, आज पूरा विश्व उस बात को मान रहा है। भाइयों बहनों, इस प्रकार से हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी दो दिन पहले हमने मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात का निर्णय लिया कि दून विश्वविद्यालय जो आगामी सत्रों में सेंटर फॉर हिंदू स्टडी इसके इसकी स्टडी को भी आगे बढ़ाएगा, इसके शोध को भी आगे बढ़ाएगा। ये निर्णय हमारा हो चुका है। इस सेंटर के शुरू होने से हिंदू सभ्यता की प्राचीन जो हमारे सिद्धांत हैं, इतिहास और दर्शन आदि जुड़े अनेक पहलुओं पर इस पर बहुत ही गहनता से शिक्षण का कार्य भी होगा और शोध के कार्यों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में हम सब भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम सब पहले से ये जानते हैं कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, भारत समूची दुनिया को दिशा देने वाला हुआ करता था। हमारे यहाँ पर नालंदा और तक्षशिला ऐसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे जब लोग शिक्षा के बारे में नहीं जानते थे। इसलिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब विश्वगुरु बनाने के लिए अपने हर प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर आप सभी युवा भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के ध्येय को पूरा करने के लिए निरंतरता से काम करेंगे। आज के इस अवसर पर अभी अभी हमने विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस भी मनाया है। मैं इस अवसर पर आज उपस्थित सभी छात्रों से, सभी छात्राओं से, सभी अपने परिषद के कार्यकर्ताओं से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि मानसून का समय चल रहा है, मानसून सत्र है, मानसून में एक पेड़ अपने आसपास जरूर लगाएं। सरकार की ओर से हमने प्रयास शुरू किया है कि जितने भी हमारे गांव, गधेरे, नौने, घारे और बहुत सारे स्रोत आप सबने भी देखा होगा कि आज से पहले जब आप छोटे छोटे हुआ करते होंगे तो बहुत सारे स्रोत हमारे अनेक स्थानों पर हमको मिलते थे। अब धीरे धीरे वो सारे के सारे स्रोत सूखते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। उन स्रोतों का फिर से पुनः जीवन हो, फिर से चार्ज हो, फिर से वो अपनी पहले की स्थिति में आए, इसलिए जरूरी है कि अपने आसपास एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करें। एक पेड़ माँ के नाम की प्रेरणा, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको दी है और अभी अभी हमने उत्तराखंड राज्य ऐसा देश का ही दुनिया का पहला राज्य हो गया है जहाँ पर GEP यानी ग्रोथ एनवायरमेंट प्रोडक्ट इसका सूचकांक हमने जारी किया है कि हम विकास कर रहे हैं। विकास करते हुए हम इकोलॉजी की कितनी चिंता कर रहे हैं, किस प्रकार का हम पर्यावरण में योगदान कर रहे हैं, क्या हमारा सूचकांक है, तो आपने कल जारी किया है। इसलिए हम जरूर और आपके द्वारा लगाए गए पौधे निश्चित तौर पर ये पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में अहम भूमिका निभाने के साथ ही जो हमारी माँ है, हमारी जन्मदात्री माँ है, उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता का ये प्रतीक बनेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमने विकल्प रहित संकल्प किया है और इस विकल्प रहित संकल्प में सबके प्रयासों से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का आपस में सामंजस्य बना रहे हैं। इस आधार का जो विकास का हमने मॉडल अपनाया है वो मॉडल हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अभी एक हफ्ते पहले नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जो सूचकांक, जो इंडिकेटर जारी किया गया है वो इस बात का प्रमाण है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक
उत्तराखंड का दशक होगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस नीति आयोग के आंकड़ों में उत्तराखंड हिंदुस्तान के पहले नंबर के राज्य में आया है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, हमारे सभी छात्र छात्राओं को। अंत में सम्मानित होने वाले सभी मेधावी हमारे छात्र छात्राएं, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देहरादून को यह सार्थक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जिसने उन्होंने मुझे भी आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। हमारे छात्र संघ के साथियों ने मुझे एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में 6 शिक्षण कक्षों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शैक्षणिक ब्लॉक के निर्माण हो रहा है। मैं इसकी घोषणा करता हूँ कि